दोस्तों ये है 2024 मॉडल टाटा की हैरियर, और ये जो दोस्तों है ये है डार्क एडिशन। ये आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं ये ऑल ब्लैक कलर है, डार्क एडिशन। और एक चीज़ है दोस्तों टाटा की कि जो आप एलॉय देख रहे हैं ये स्टैंडर्ड लेवल से आती है भाई, यानी कि बेस वेरिएंट से ही आपको एलॉय मिल जाती है इस गाड़ी में। तो डार्क एडिशन कैसी लग रही है आप कमेंट्स में बताएं। ऑन रोड प्राइस, माइलेज, फीचर्स, फुल डिटेल्स रिव्यू होने वाला इस वीडियो में। साथ में दोस्तों हम आपको डाउन पेमेंट भी बताएंगे कि कितना कम से कम आप डाउन पेमेंट भर के इस गाड़ी को खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ऊपर से इस तरह से सीन आने वाला इस गाड़ी का, ग्लास आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको दो वाइपर वाशर मिल जाएगा, पूरा डार्क एडिशन का जो कलर है, बोनट आप सामने देखिए। और इसमें आपको कनेक्टिंग DRL मिलेगा इस तरह से आप देख सकते हैं, ये वाइट कलर, ये पूरा DRL यहाँ से यहाँ तक रहेगा। और ये कन्वर्टेबल ब्लिंकर हाफ बन जाएगा इस तरह से, अभी से इंडिकेटर अगर बंद होगा तो ये आपका DRL बन जाएगा इस तरह से। तो ये आएगा आपका सीन, ये देखिए आप, ये हो गया DRL, ये देखिए अभी ये आप चाहें तो ये भी ऑफ कर सकते हैं इसको, और इस तरह से आप देखेंगे तो ये देखिए अब DRL आपका दो ही जलेगा, देख रहे हो। तो तीन तरीके से ये काम करती है। और यहाँ पर आपका मिलेगा ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प, ये देखिए आप देख रहे हो। और इसी के नीचे आपको इस तरह से शेप मिलेगा, फॉग लैम्प की जगह है, ये आपका प्रोजेक्टर हेडलैम्प है। ये जो है सेकंड टॉप में डार्क एडिशन है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये रहेगा LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प। और सामने देखेंगे तो ये ग्लास रहेगा इस तरह से, कांच यानी सेफ्टी आप देख सकते हैं, पूरा इस तरह से रहने वाला है। अब ये हाई लो बीम पर आप लाइट देख सकते हैं, इस तरह से ये वर्क करेगा, ये देखिए आप पूरा। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपको टाटा का नया बेजिंग मिलेगा, यानी कि नया लोगो है। और ये आपकी ग्रिल रहेगी जो कि टाटा ने एक नंबर का ग्रिल बनाया भाई, आप देख सकते हैं बिल्कुल न्यू शेप में ग्रिल मिलने वाली है। यहाँ पे आपका नंबर प्लेट आएगा, और ये रहे सामने का बम्पर ग्रिल, आप देख सकते हैं बिल्कुल न्यू शेप में ग्रिल मिलेगी। ये देखो आप डिज़ाइन इसका पूरा देख रहे हो, ये सीन आने वाला है। और स्किड प्लेट जो है वो नीचे से इस तरह से रहेगी, ये देखिए बम्पर के नीचे देख रहे हो, एक नंबर का मिलने वाला है भाई ये पूरा सीन। सामने का पूरा लुक इस तरह से आने वाला है इस गाड़ी का। अब साइड प्रोफाइल्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलती है मैक व्हील डायमंड कट में, वो भी यहाँ पर देखेंगे तो एकदम नए शेप में, ये देखिए देखो आप। और ये आपका ग्लोसी ब्लैक रहेगा डुअल टोन फिनिशिंग के साथ, सेंटर पर टाटा की बेजिंग। आगे आपको दो डिस्क ब्रेक मिलेगा ABS EBD ब्रेक असिस्ट के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं वंडरर का टायर मिल जाता है जो कि MREF का रहेंगे, ट्यूबलेस टायर मिलेगा, 17 इंच की एलॉय इसके अंदर आपको मिल जाएगी। टायर की बात करें तो टायर का जो साइज़ है वो 285x265x65 का है, 17 इंच का रहेगा, देखिए आप टायर का जो साइज़ है वो लगभग आपको बढ़िया मिल जाएगा इस तरह से, ये देखिए टायर का साइज़, और 17 इंच की एलॉय मिलेगी, ये देखिए। और यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक वर्क के पूरे बॉडी के नीचे मिलेगा, डोर के नीचे भी यहाँ पर आपका ये पूरा प्लास्टिक वर्क मिलेगा। हैरियर का यहाँ पर देखेंगे तो नया 3D वाला सीन मिलेगा, ये देखिए आप 3D लोगो। यहाँ पर हैच डार्क का मिलेगा लोगो, ये देखिए हैच डार्क देख रहे हो, ये पूरा लिखा है। तो कैसा लगा भाई हैच डार्क कमेंट्स में बताएं। यहाँ पर आपको मिलेगा ये देखिए ORVM आपको LED ब्लिंकर्स के साथ मिलेंगे, देखिए अभी यहाँ पर जलने वाला है तो ये LED में आपको मिलेगा। इंडिकेटर जो मिल रहा है यहाँ पर देखिए ORVM पर रहेगा, और ये आपको ग्लोसी ब्लैक कलर पर रहेगा, ये देखिए ये इस तरह से जलेगा, देखिए। और वो भी इसमें देखेंगे तो लाइनिंग जैसा दिखेगा, देखो एकदम न्यू लाइट मिलेगी ये देखो। और ये जो ग्लास है ना इसका, ये पूरा ट्रांसपेरेंट रहेगा, बिल्कुल ऐसा दिखेगा कि लाइनिंग में ऐसा पूरा लाइट जल रहा है, देखो एकदम ज़बरदस्त भाई। तो ये ORVM उधर भी आपको सेम टू सेम जलता हुआ दिखने वाला है, ये देखिए एकदम सेम, ठीक है, ये इस तरह से रहेगा। अब यहाँ से भी आप देख सकते हैं तो यहाँ पर भी आपको हैच डार्क का लोगो मिलेगा, यहाँ पर हैरियर का, और डुअर का जो हैंडल है वो भी पूरा ग्लोसी ब्लैक कलर में ही रहने वाला है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये देखिए। और रियर प्रोफाइल सब आप देख सकते हैं, तो पीछे आपको मिलेगा दो ड्रम, बाकी 17 इंच की ही आपको एलॉय दिखने को मिलेगी। अब ये रहा भाई रियर प्रोफाइल्स, ये देखो आप ज़बरदस्त देख रहे हो, ये कनेक्टिंग लाइट पूरी, ये देखिए LED में आपको मिलेगा पूरा रेड, ये देखो यहाँ से यहाँ तक देख रहे हो, ये साइड प्रोफाइल्स इस तरह से आने वाला है, पूरा सीन देखो आप, ये देखो आप। और रिवर्स में आपको कैमरा भी मिल जाएगा, ये सेकंड बेस है, ठीक है, ये देखो आप। यहाँ पर आपको टाटा का नया बेजिंग और वाइपर वाशर, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, स्पॉयलर, शार्क फिन एंटीना, ये सब आपको इस गाड़ी में मिल जाता है, ये देखो। खाली डिफॉगर पीछे नहीं रहेगा बस, ये देखो पूरा सीन। और ये आपका ब्रेक लाइट है, देखो ब्रेक जब अप्लाई करेंगे तो इस तरह से जलेगा, जब आप ब्रेक लगाएंगे तो इस तरह से गाड़ी का सीन आने वाला है। देखो हाई माउंटेड स्टॉप लैंप भी किस तरह बेहतरीन वर्क कर रहा है, ये देखिए ये ज़बरदस्त भाई। यहाँ पे आपको हैरियर का लोगो मिलेगा, वो भी 3D वाले ग्रे कलर पे, ये देखो देख रहे हो डार्क क्रोम रहेगा। और स्किड प्लेट यहाँ पर भी आपको मिल जाती है इस तरह से, वही ग्लोसी में, स्पेयर व्हील नीचे दी गई है।
और यहाँ पर दो रिवर्स पार्किंग सेंसर भी आपको मिल जाएगा इस गाड़ी में। और उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बूट स्पेस इस तरह से आपको मिलेगा, ये देखिए इतना ज़्यादा। और अगर आप सफारी देखेंगे ना तो इसमें एक एक सीट भी सफारी में बिठा दी गई है, तो इतना ज़्यादा आपको बूट स्पेस मिलता है। और यहाँ पर भी आपको कुछ इस तरह से जगह मिल जाते हैं रखने के लिए, बाकी इतना स्पेस तो समझ लो कि बिल्कुल सेवन सीटर जैसा सीन आने वाला है। तो 445 लीटर का बूट स्पेस इस गाड़ी में मिलता है सबसे ज़्यादा। यहाँ पर स्पीकर के देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा प्लेसमेंट दी गई है, ये पूरा इस तरह से आने वाला है। और ये जो सीट है ये आपकी फोल्ड हो जाने वाली सीट है। इंटीरियर कुछ इस तरह से रहेगा, पैरानोमिक सनरूफ आपका फुल यहाँ पर मिलने वाला है। ये देखो आप, 6 एयरबैग भी आपको इस गाड़ी में मिल जाएगा, तो 6 एयरबैग मिलता है इस गाड़ी में। और यहाँ पर ये रहा इसका फ्यूल टैंक, जो कि 50 लीटर का डीजल आने वाला है इस गाड़ी में। यहाँ पर आपका मिलेगा सेलिब्रेटिंग 50 लाख कार्स, ये देखो, यानी कि इसमें जो है ये 25 साल में 50 लाख कार सेल हुई 1998-2023 तक। और ये आपका हैंडल रहेगा डोर का, ये देखो गजब कवाई, एकदम ज़बरदस्त रहने वाली है गाड़ी पूरी, देख रहे हो। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ इसका इंटीरियर। सबसे पहले आप इसका देखो डोर, ये देखिए इसका डोर का जो हैंडल है वो आपका मेट फिनिशिंग पर रहेगा, ये आपका ग्लोसी रहेगा, ये चारों पावर विंडो लॉक अनलॉक। डोर का लीवर ये देखिए डार्क सिल्वर पर रहेगा, डार्क, ये देखो आप देख रहे हो यहाँ पर इस तरह पूरा फिनिशिंग। स्पीकर का यहाँ पर जगह है, बोतल और स्पेस एक नंबर का। यहाँ पर जब डोर खोलेंगे तो लाइट जलेगा और रात में बहुत गजब का व्यू देने वाला है कि पीछे से लगेगा कि भाई डोर खुला है इस गाड़ी का। और यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका लेदर फिनिशिंग मिलेगा, यहाँ पे पियानो फिनिशिंग, यहाँ पर ये कलर डिज़ाइन किया गया देखो डार्क में, ये आपको मिलेगा पुश बटन स्टार्ट। और उसके बाद इस गाड़ी में ये देखिए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो इस तरह से मिलता है ये। और ये रहेगा 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, और ये इंस्ट्रूमेंट भी आपको सेम टू सेम मिलेगा पूरा फुल डिजिटल, ये देखिए देख रहे हो ज़बरदस्त भाई। और ये पूरा टच स्क्रीन का सेटअप रहेगा, हैजर्ड का स्विच हो चाहे जो हो। सीट आपको यहाँ पर एडजस्टेबल मिल जाती है, क्लच ब्रेक एक्सीलेटर का ऑप्शन यहाँ है, स्टेयरिंग आपको यहाँ पर मिलती है जो कि टाटा यहाँ पर रहेगा। और यहाँ पर आपको मिलता है भाई क्रूज कंट्रोल, इस तरह से क्रूज कंट्रोल का सेटअप है। यहाँ पर ये व्यू का सेटअप है, जैसे व्यू करेंगे तो पूरा सेटअप रहेगा। और यहाँ पर टाटा, यहाँ पर देखेंगे तो वॉइस असिस्ट, कॉल मिस कॉल, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, वॉल्यूम आप अप डाउन कर सकते हैं। और ये देखिए गियर लीवर, 6 गियर लीवर इस गाड़ी में दिया गया, 6 गियर की गाड़ी है। और ये आपका मोड है, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो इसमें इको, देखिए यहाँ पर वेट रोड, और उसके बाद फिर देखना रफ रोड मोड, यानी कि अगर आप ख़राब सड़कों पर चलाना चाहेंगे ना तो यहाँ पर देखो ये बना हुआ है, ये देखिए इंस्टेंट एफई, देख रहे हो अभी देखना वेट रोड, यानी कि बारिश जब होती है ना तो उसी सड़क पर ये मोड होगा। तो इसमें कई सारे आपको मोड का भी ऑप्शन दिया गया है, सिटी ड्राइव मोड, कई सारे मोड यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, इस तरह से आप देख सकते हैं ये पूरा मोड का ऑप्शन है। ये इकोनॉमी यानी ज़्यादा माइलेज लेना है तो ये वाला आप इस मोड पे चला सकते हैं। उसके बाद ज़्यादा रफ यूज़ करना भगाना है, स्पोर्ट मोड, तो ये आप एक्टिवेट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखो ऑटो सिटी ड्राइव मोड यहाँ पे लिखा भी है, ये देखिए। तो इंफोटेनमेंट जो है और इंस्ट्रूमेंट, ये दोनों आपको 10.25 इंचेस के मिलेंगे। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये गजब का रहेगा, देखिए क्रोम आपका यहाँ पर मिलेगा, एसी बेंट एक नंबर का पूरा सीन आप देखते हैं। यहाँ पर जब ब्लूटूथ कनेक्ट रहेगा ये पूरा शो करेगा। और उसके बाद ये जो है ना ये आपका हैजर्ड जैसे स्विच हो गया, ऑन हो गया, देखो इस तरह से काम करेगा। पीछे का डिक्की ये भी आपका टच ही रहेगा। और उसके बाद ये एसी का आपका कंट्रोल है, यहाँ पर देख सकते हैं सारे कंट्रोल, ये ऑटोमेटिक एसी क्लाइमेट भी इसके अंदर है, पूरा टच पैनल रहेगा। यहाँ पर आपका देख सकते हैं एसी वेंट है, 2 ट्विटर, 4 स्पीकर और ग्लोब बॉक्स आपको इतना स्पेस मिलता है, ये देखिए एक नंबर का। और ये आपका पूरा यहाँ पर देखेंगे सॉफ्ट टच आपका लेदर वर्क मिलेगा। ये हैंड ब्रेक है, ये देखो आप फर्स्ट टाइम भाई हैंड ब्रेक, ये देखोगे आप एकदम स्टाइलिश लुक के साथ, देख रहे हो ज़बरदस्त। ये आर्मरेस्ट आपको मिल जाता है, इसके अंदर भी ये फिक्स रहेगा, ये देखिए इस तरह से खुलेगा। 12 बोल्ट का सॉकेट भी इसके अंदर दिया गया, ये देखो। और यहाँ पर देखिए यूएसबी और टाइप सी की भी चार्जिंग पोर्ट है, ये फ़ोन लगा के आराम से इसमें आप रख सकते हैं इस तरह से, गजब का भाई। और अब यहाँ पर देखेंगे पूरी गाड़ी का जो सीन आने वाला है वो इस तरह से आएगा, ये देखिए। और यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए लाइट का ऑन ऑफ का, और इसके अंदर यहाँ पर सनरूफ खोलने का, ये देखिए पूरा सीन, ये देखो सनरूफ आपका इस तरह से खुलेगा, देख रहे हो, ये देखिए सनरूफ, ये देखो पूरा सनरूफ इस तरह से खुलेगा, एक ज़बरदस्त, देख रहे हो ये आपका पैरानोमिक सनरूफ मिलता है इस गाड़ी का। बोनट आगे का
और इस तरह से पूरी गाड़ी दे सकते हैं। अब ये बोनट देखेंगे और उसके बाद हम आपको इंजन दिखाते हैं, इस तरह से पूरा रहेगा इसका इंजन। ये रहा इंजन। अब आप देखेंगे डीजल इंजन जब स्टार्ट होगा तो इसमें देखेंगे कोई वाइब्रेशन नहीं मिलेगा, एक नंबर का इंजन मिलेगा। फिर आपको मैं दिखा बताऊंगा कि इसमें कितने सीसी का कौन सा इंजन मिलता है। क्रोटीन, ये देखो क्रोटिक, देखो ये डीजल इंजन का कमाल है कि इतनी स्टार्ट होने के बाद इतना साइलेंट इंजन आपको मिलेगा। और कैबिन में मैं आपको नॉइज़ भी सुनाता हूँ। अब आप देखिए कैबिन में आवाज़ नहीं मिलेगी, गाड़ी स्टार्ट है आपके सामने है, ये देखिए डीजल इंजन का कमाल है, सोचो आप। और महिंद्रा की XUV 300 को स्टार्ट जब किया गया था तो मैं खुद था दोस्तों, पूरा गाड़ी वाइब्रेट कर रही थी। अभी आप इसमें देख रहे हो कि कोई आवाज़ नहीं मिल रहा है। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि इंजन कितने सीसी का है, क्या पावर है, क्या माइलेज है और पिकअप वगैरह कितना मिलेगा। और उसके बाद अब देखिए ये रहा इसका इंजन, ठीक है। सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी देख लीजिए, तो 5-स्टार रेटिंग है ये एडल्ट और चाइल्ड के लिए, यानी कि बच्चों के लिए और बड़ों के लिए। बैटरी एक्साइट की यहाँ पर है और ये कैरोटेक इंजन यहाँ पर दिया गया है, 2.0 लीटर का, यानी कि 2000 सीसी का इंजन आपका रहेगा, 4 सिलेंडर डीजल इंजन। चेसी देख सकते हो, मजबूती एक नंबर का मिलने वाला इस गाड़ी का। और ये रहेगा बोनट, पूरा सेफ्टी के साथ यहाँ पर दिया गया है। तो इंजन इसके अंदर 1956 सीसी 4 सिलेंडर कैरेटेक टर्बोचार्जर इंजन है। मैक्सिमम जो पावर है 170 BHP का रहेगा, 3750 RPM का। मैक्सिमम जो टार्क है वो 350 Nm का रहेगा, 1750 से 2500 RPM पर। तो माइलेज की अगर हम बात करें तो लगभग ये माइलेज आपको देने वाली है 15 से 16 का, डीजल में माइलेज आपको 15 से 16 का रहेगा, काफ़ी बेहतरीन क्योंकि डीजल है। और 50 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलने वाली है। तो ये कैसी लगी हैरियर डार्क एडिशन आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अब हम बात करते हैं इसकी प्राइस और वेरिएंट की। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आप स्टार्टिंग वेरिएंट प्राइस लेते हैं सबसे स्टार्ट, तो ये गाड़ी आपको पड़ेगी 17 लाख रुपए से स्टार्टिंग होती है। ये जो वेरिएंट आप देख रहे हैं 22,60,000 रुपये ऑन रोड प्राइस है, स्टेलर टाटा नवसारी गुजरात में। वीडियो पसंद आई चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें। और कम से कम जो डाउन पेमेंट है इस गाड़ी का वो आने वाला है 4 से 5 लाख रुपया कम से कम भरना पड़ेगा। तो लाइक करो, फॉलो करो, शेयर करो।